200 क्रिकेट के खेल की लोकप्रियता देश और दुनिया में इस तरह से दर्शकों के दिलों पर छाई रहती है कि क्रिकेट फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में सब कुछ जानकारी रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी प्रमुख वजह है खिलाड़ियों की अपनी अलग अलग पहचान, जिनमें से कुछ खिलाड़ियों की पहचान तो उनके खेल से होती है तो कुछ की कदकाठी से। नंबर 10, सचिन तेंदुलकर। 200 क्रिकेट जगत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका परिचय महान बल्लेबाज सचिन से ना हो। अपनी बल्लेबाजी से दुनिया के हर महान गेंदबाज की खटिया खड़ी कर देने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन क्रिकेट में कई सारे रिकॉर्ड्स दर्ज कर चुके हैं। प्रोफेशनल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने वाले तेंदुलकर से दुनिया के सभी महान गेंदबाज खौफ खाते थे। हालांकि तेंदुलकर अपनी गेंदबाजी के साथ साथ अपने कद को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं, लेकिन 5 फुट 5 इंच के हाइट वाले सचिन पाजी के जब पहाड़ जैसे रिकॉर्ड्स को लोग देखते हैं तो उन्हें देखकर वो काफी शॉक्ड होते हैं। सचिन पाजी ने भारत के लिए खेलते हुए अपने करियर में करीब 200 टेस्ट और 463 वनडे मैचेस खेले हैं, जिसमें उनके नाम 33,000 से ज्यादा रन दर्ज हैं। उनके नाम एक दिवसीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक भी दर्ज है। अपने 5 फुट 5 इंच के हाइट के साथ सचिन पाजी दुनिया के 10वें सबसे छोटे खिलाड़ी हैं। नंबर 9, सुनील गावस्कर, इंडिया। 200 क्रिकेट जगत के लेजेंड खिलाड़ी और अपनी शानदार बल्लेबाजी से दुनिया भर के गेंदबाजों को परेशान करने वाले सुनील गावस्कर ने अपनी बल्लेबाजी से नए नए आयाम सेट किए थे। सुनील गावस्कर से प्रेरणा लेकर कई खिलाड़ी अपने करियर को बुलंदियों तक लेके गए हैं। भारत में इनको भगवान की तरह पूजा जाता था। दर्शकों के दिलो दिमाग पर राज करने वाले गावस्कर दुनिया के सबसे छोटे खिलाड़ियों की लिस्ट में 9वें नंबर पे आते हैं। इनकी हाइट मात्र 5 फुट 5 इंच है, जिस वजह से इन्हें क्रिकेट का लिटिल मास्टर भी कहा जाता था। दोस्तों, सुनील गावस्कर सर दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रनों का पहाड़ खड़ा किया था। नंबर 8, टेम्बा बावुमा, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका खिलाड़ी भी दोस्तों दुनिया के उन खिलाड़ियों में शुमार रहते हैं जो अच्छी कदकाठी के लिए जाने जाते हैं। लंबे लंबे छक्के मारने मशहूर इस टीम का एक खिलाड़ी ऐसा भी है जो अपने खेल के साथ अपनी छोटी हाइट के लिए भी काफी पॉपुलर है। इस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों टेम्बा बावुमा। 5 फुट 4 इंच की हाइट वाले इस छोटे से खिलाड़ी को देखकर आजकल हर कोई इसकी तारीफ करता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच से की थी। बहुत ही कम टाइम में इस खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका टीम में अपनी जगह बना ली। शानदार बल्लेबाजी करता हुआ यह छोटा सा खिलाड़ी अपने खेल के दम पर सभी का मन जीत लेता है। शायद ही आप इनके बारे में जानते हो कि इन्होंने अपने करियर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 44 टेस्ट और 12 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेले हैं, जिसमें इनके नाम 2400 से ज्यादा रन दर्ज हैं, जो साबित करता है कि ये एक शानदार खिलाड़ी हैं। नंबर 7, डेविड विलियम्स, वेस्ट इंडीज। 200 कैरेबियाई खिलाड़ी को आपने हमेशा ही काफी लंबे और विशाल रूप में देखा होगा। 6.5 फीट से ऊंची लंबाई और बड़े बड़े बाजुओं वाले खिलाड़ी हमेशा से इस टीम की पहचान रहे हैं, लेकिन लंबे लंबे छक्के मारने के लिए मशहूर इस टीम के खिलाड़ियों के बीच एक खिलाड़ी ऐसा भी था जो अपनी छोटी कदकाठी के लिए जाना जाता था। 1988 में इंग्लैंड के खिलाफ एक वनडे मैच से डेब्यू करने वाले डेविड विलियम्स ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर तब खींचा जब दर्शकों ने देखा कि लंबे लंबे खिलाड़ियों के बीच ये छोटा सा खिलाड़ी कौन है। मात्र 5 फुट 4 इंच के हाइट वाले इस खिलाड़ी ने अपने कद और बल्लेबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विकेटों के पीछे से कीपिंग करते हुए डेविड को देख दर्शकों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। डेविड ने अपने करियर में वेस्टइंडीज के लिए करीब 11 टेस्ट और 36 वनडे मैचेस खेले हैं, जिसमें उनके नाम लगभग 350 से ज्यादा रन दर्ज है। नंबर 6, पार्थिव पटेल, इंडिया। 200 भारतीय टीम में अपने छोटे से कद और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करने वाले पार्थिव पटेल को भाई हर कोई जानता है। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह बना ली थी। पार्थिव ने अपना डेब्यू 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच से किया था, और आपको जानकर हैरानी होगी जब पार्थिव ने अपना डेब्यू किया था तो सारे क्रिकेट जगत में उनके छोटे से कद की चर्चा होती थी, लेकिन उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत खुद को साबित करते हुए सभी चर्चाओं को विराम दे दिया। पार्थिव पटेल की हाइट 5 फुट 4 इंच है, जो उन्हें दुनिया का 6वां सबसे छोटा खिलाड़ी बनाती है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में भारत के लिए 60 से ज्यादा मैचेस खेले हैं, जिसमें उनके नाम 1600 से ज्यादा रन दर्ज हैं। अंतर्राष्ट्रीय करियर के साथ साथ पार्थिव पटेल ने अपने फर्स्ट क्लास करियर और आईपीएल में काफी नाम कमाया। नंबर 5, मोमिनुल हक, बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश की टीम के खिलाड़ी मोमिनुल हक भी हमारी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। मोमिनुल बांग्लादेश के काफी अच्छे टेस्ट प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं। ये अपने शानदार खेल के लिए दुनिया भर में काफी पॉपुलर हैं। मोमिनुल दुनिया के सबसे छोटे खिलाड़ियों की लिस्ट में 5वें नंबर पे आते हैं, जिसकी वजह है 5 फुट 3 इंच की उनकी छोटी सी हाइट। मोमिनुल की हाइट भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन उनके हौसले इतने ज्यादा ऊंचे थे कि वो दुनिया के महान से महान गेंदबाज के आगे भी शानदार बल्लेबाजी किया करते थे।
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2012 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय मैच से की थी। मोमिनुल ने अभी तक बांग्लादेश के लिए 45 टेस्ट और 28 वनडे मैचेस खेले हैं, जिसमें इनके नाम लगभग 3800 से ज्यादा रन दर्ज हैं। नंबर 4, मुशफिकुर रहीम, बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के बाद एकमात्र ऐसी टीम है जो हमेशा ही विवादों में बनी रहती है। इस टीम के खिलाड़ियों की कभी अंपायर से बहस होती है तो कभी आपस में ही ये खिलाड़ी लड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस टीम में जेंटलमैन गेम कहे जाने वाले क्रिकेट की एक भी जेंटलमैन वाली खूबी नहीं है। अब चाहे वो श्रीलंकन टीम के सामने नागिन डांस करना हो या फिर T20 वर्ल्ड कप के दौरान प्री विक्ट्री सेलिब्रेशन कर अपनी बेइज्जती करवाना हो, इस टीम के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम का अपना एक अलग ही स्वैग रहता है। ये भी हमेशा विवादों से घिरे रहते हैं, चाहे साथी खिलाड़ी पर गुस्सा करना हो या देर से आने बनकर जीत से पहले ही जश्न मनाकर अपनी बेइज्जती करवाना हो। इनका नेचर कैसा भी हो, लेकिन इनका हमारी लिस्ट में होना लाजमी है क्योंकि ये दुनिया के चौथे सबसे छोटे खिलाड़ी हैं। मुशफिकुर की हाइट मात्र 5'3" है। इनकी भाई उल जुलूल बातें और इनकी हाइट आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करती, इसलिए ये हमेशा ही अपनी बेइज्जती करवाते रहते हैं। मुशफिकुर ने अपने करियर में अभी तक बांग्लादेश के लिए कुल मिलाकर 11,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। नंबर 3, टिच फ्रीमैन, इंग्लैंड। दोस्तों, इंग्लिश टीम में पहले के जमाने में काफी ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो अपने छोटे कद के चलते काफी ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं। इन खिलाड़ियों का करियर तो बहुत ज्यादा खास नहीं रहा, लेकिन थोड़े से ही समय में इन खिलाड़ियों ने भाई देश और दुनिया में अपने कद की वजह से एक अलग छाप छोड़ी थी। ऐसी एक इंग्लिश खिलाड़ी है जिनका नाम है टिच फ्रीमैन। इंग्लिश टीम के लिए मात्र 12 टेस्ट मैचेस खेलने वाले फ्रीमैन दुनिया के तीसरे सबसे छोटे खिलाड़ी हैं। फ्रीमैन की हाइट दोस्तों मात्र 5'2" थी। छोटे से कद वाले इस खिलाड़ी ने अपने करियर की शुरुआत 1924 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच से की थी, जिसके बाद उन्होंने अपने छोटे से करियर के 12 मैचेस में 14 की औसत से 154 रन ही बनाए, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 50 रन रहा। नंबर 2, टिच कॉनफोर्ट, इंग्लैंड। दोस्तों, आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि इंग्लिश प्लेयर्स अपनी लंबी और अच्छी कदकाठी के लिए काफी पॉपुलर होते हैं। उनकी लंबी लंबी बाजू और 6 फीट की हाइट उन्हें पिच से काफी मदद करती है, जिस वजह से उनकी बॉल बाकी खिलाड़ियों की तुलना में ज्यादा बाउंस करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के दूसरे सबसे छोटे खिलाड़ी इसी देश से आते हैं? जी हाँ, साल 1900 में इंग्लैंड में जन्मे टिच कॉनफोर्ट दुनिया के दूसरे सबसे छोटे खिलाड़ी हैं। इनकी हाइट मात्र 5 फुट है। इन्होंने इंग्लैंड के लिए मात्र 4 ही टेस्ट मैचेस खेले हैं। टिच ने अपने करियर की शुरुआत 1930 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच से की थी। अपने छोटे से करियर के उन 4 मैचेस में 9 की औसत से मात्र इन्होंने 36 रन ही बनाए थे, जिस वजह से ये अपने क्रिकेट करियर में तो कुछ खास नहीं बना पाए, लेकिन उनके छोटे कद के चलते उन्हें दुनिया भर के लोग काफी पसंद करते थे। नंबर 1, क्रूगर वैन वेक, न्यूजीलैंड। दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे छोटे देशों में शुमार न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे शानदार और शांत टीमों में गिनी जाती है। इस टीम के खिलाड़ी दुनिया भर में क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कन है। ICC के लगभग हर बड़े टूर्नामेंट में अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करने वाली ये टीम बड़ी से बड़ी टीमों को पटखनी देने की क्षमता रखती है। इस टीम ने मुकाम अपने बेहतरीन और विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के दम पर बनाया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस छोटे से देश की टीम का एक छोटा सा खिलाड़ी दुनिया भर में अपने छोटे कद के लिए बहुत ही पॉपुलर है? जी हाँ, उस खिलाड़ी का नाम है क्रूगर वैन वेक। कीवी टीम के लिए मात्र 9 टेस्ट मैचेस खेलने वाले क्रूगर ने अपना डेब्यू साल 2012 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। अपने छोटे से कद को लेकर क्रूगर क्रिकेट के खेल में काफी ज्यादा पॉपुलर रहे हैं क्योंकि उनकी हाइट 4'9" की थी। हालांकि इनका करियर कुछ ज्यादा लंबा नहीं चला। क्रूगर ने न्यूजीलैंड के लिए अपने 9 टेस्ट मैचेस में 21.31 की औसत से 341 रन बनाए हैं। लेकिन जो भी हो, पर क्रूगर दुनिया के अभी तक के सबसे छोटे खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। चल दें, बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।